हेलो दोस्तों, आज की इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस नए वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि योनो लाइट SBI और योनो SBI में दोनों में क्या अंतर है। योनो लाइट SBI में क्या हमको फैसिलिटी मिलता है, क्या हमको फैसिलिटी नहीं मिलता है, इस वीडियो में आपको डिस्कस करने वाले हैं, बताने वाले हैं। और योनो SBI ऐप्स में क्या सब फैसिलिटी मिलता है और इसमें भी क्या सब फैसिलिटी नहीं मिलता है, योनो लाइट के कंपेरिजन हम आज इस वीडियो में करके आपको दिखाने वाले हैं। यानी कि दोनों का अंतर बताने वाले हैं, कौन सबसे ज़्यादा बेस्ट है और कौन एप्लीकेशन में ज़्यादा फैसिलिटी आपको देखने को मिलते हैं और ज़्यादा फैसिलिटी आपको यूज करने को मिलते हैं। तो आज की इस वीडियो में आप बने रहिए, तो सारा डिटेल हम आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर इस वीडियो को शुरू करते हैं, अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी आप दबा दीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहेगा। तो इस दोस्तों चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि योनो SBI में कौन कौन सी फैसिलिटी मिलती है और योनो लाइट SBI में कौन कौन सी फैसिलिटी नहीं मिलती है। तो पॉइंट नंबर वन है, न्यू डिजिटल सेविंग अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं योनो SBI में, योनो लाइट एप्लीकेशन में आप ओपन नहीं कर सकते हैं। उसके बाद ट्रेन टिकट आप बुक कर सकते हैं योनो SBI में, योनो लाइट SBI में आप नहीं कर सकते हैं। उसके बाद है, न्यू इंश्योरेंस ओपन आप कर सकते हैं योनो SBI में, योनो लाइट SBI में ये आपको ऑप्शन नहीं मिलता है। उसके बाद है, योनो SBI रिवार्ड पॉइंट आप यूज कर सकते हैं योनो SBI में, नहीं कि योनो लाइट SBI में। उसके बाद है, मैनेज क्रेडिट कार्ड योनो SBI से आप जो है यूज कर सकते हैं और योनो लाइट में आपको ये सुविधा नहीं मिलता है। उसके बाद UPI QR कोड ऑप्शन जो मिलता है ये योनो SBI में मिलता है, योनो लाइट SBI में ये नहीं मिलता है। उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं योनो SBI में और ये योनो लाइट SBI में आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। उसके बाद है, लोन अप्लाई आप कर सकते हैं योनो SBI में, योनो लाइट SBI में आप नहीं कर सकते हैं। उसके बाद है, इंटरनेट बैंकिंग लॉगिन पासवर्ड यूजर नेम आप चेंज कर सकते हैं सिर्फ योनो SBI में, योनो लाइट SBI में आप चेंज नहीं कर सकते हैं। उसके बाद है, प्रोफाइल पासवर्ड चेंज करना ये सिर्फ आप योनो SBI में कर सकते हैं और योनो लाइट में ये सुविधा आपको देखने को नहीं मिलता है। बाद है, शॉपिंग एंड डिस्काउंट ऑफर जो है आप योनो SBI में ये आपको देखने को मिलता है, आप शॉपिंग कर सकते हैं योनो SBI में और योनो लाइट SBI में आप शॉपिंग नहीं कर सकते हैं। उसके बाद है, अकाउंट ट्रांसफ़र आप कर सकते हैं योनो SBI से और योनो लाइट SBI से आप अकाउंट ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। उसके बाद है, मैनेज ट्रांजैक्शन राइट आप योनो SBI से कर सकते हैं और योनो लाइट SBI से आप नहीं कर सकते हैं। उसके बाद है, न्यू ATM कार्ड अप्लाई आप योनो SBI से कर सकते हैं, योनो लाइट SBI में ये आपको सुविधा नहीं मिलता है। उसके बाद है, SMS अलर्ट एक्टिवेशन डीएक्टिवेशन योनो SBI से आप कर सकते हैं और योनो लाइट SBI में ये आपको सुविधा नहीं मिलता है। उसके बाद है, योनो कैश फैसिलिटी, यानी कि बिना ATM कार्ड का भी आप पैसा निकाल सकते हैं, ये सुविधा सिर्फ योनो SBI में दिया गया है, योनो लाइट SBI में ये आपको सुविधा देखने को नहीं मिलता है। उसके बाद है, अपडेट पैन कार्ड जो है आप योनो SBI से कर सकते हैं और योनो लाइट SBI से आप अपडेट पैन कार्ड को नहीं कर सकते हैं। उसके बाद मोबाइल नंबर को आप चेंज कर सकते हैं योनो SBI से और योनो लाइट SBI से आप मोबाइल नंबर चेंज नहीं कर सकते हैं। उसके बाद है, ईमेल आईडी आप चेंज कर सकते हैं योनो SBI से और योनो लाइट SBI में ये आप को सुविधा नहीं मिलता है चेंज करने का। उसके बाद है, योनो कृषि किसान के लिए जो बेस्ट ऑप्शन होता है ये आपको योनो SBI में आपको मिलेगा, योनो लाइट SBI में ये ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। तो चलिए अब बात हम कर लेते हैं कि योनो लाइट SBI में जो हमें फैसिलिटी मिलती है वही हमको जो है योनो SBI में भी मिलती है। तो सबसे पहले नंबर पे है, लॉगिन आप कर सकते हैं यूज़र नेम और पासवर्ड से, दोनों में ही आप लॉगिन कर सकते हैं योनो लाइट में और योनो SBI में। उसके बाद क्विक ट्रांसफ़र आप दोनों में कर सकते हैं, योनो लाइट में और योनो SBI में भी आप कर सकते हैं। उसके बाद इंटरनेट बैंकिंग दोनों में ही आप बना सकते हैं और या क्रिएट कर सकते हैं योनो SBI में और योनो लाइट SBI में, यानी कि आप दोनों में इंटरनेट बैंकिंग आप बना सकते हैं और यूज भी कर सकते हैं। उसके बाद है, ATM कार्ड को आप मैनेज कर सकते हैं योनो लाइट SBI में, योनो SBI में भी आप कर सकते हैं और इसके साथ साथ आप लिमिट भी सेट कर सकते हैं योनो लाइट SBI में और योनो SBI में, आप दोनों में ही ATM कार्ड को मैनेज और लिमिट सेट कर सकते हैं। उसके बाद है, मोबाइल रिचार्ज DTH रिचार्ज आप दोनों में ही कर सकते हैं योनो लाइट SBI में भी और योनो SBI में भी।
उसके बाद है बिल पेमेंट, आप कर सकते हैं योनो लाइट SBI में भी और योनो SBI में भी, ये दोनों आपको फीचर देखने को मिलता है। उसके बाद है FD RD जो अकाउंट होता है, फिक्स डिपॉजिट रेकरिंग डिपॉजिट, ये आप ओपन कर सकते हैं योनो लाइट SBI में और योनो SBI में भी आप कर सकते हैं, ये ऑनलाइन आप कर सकते हैं। उसके बाद FD RD ऑनलाइन जो है आप क्लोज भी कर सकते हैं, ये दोनों में आपको फैसिलिटी मिल जाता है, योनो लाइट SBI में भी और योनो SBI में भी आपको ये देखने को मिलता है। उसके बाद है फंड ट्रांसफ़र, आप कर सकते हैं योनो लाइट SBI से भी आप कर सकते हैं और योनो SBI से भी आप कर सकते हैं। उसके बाद दोनों ही एप्लीकेशन ऑफिशियल है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, योनो लाइट SBI और योनो SBI। उसके बाद है आप दोनों में ही एड बेनिफिशरी ऐड कर सकते हैं, उसके बाद एडिट भी कर सकते हैं योनो लाइट SBI में और योनो SBI में। उसके बाद आप अकाउंट में नॉमिनी नेम जो शो करता है, आप योनो लाइट में भी आपका शो करेगा, उसके बाद योनो SBI में भी नॉमिनी नेम शो करेगा। उसके बाद योनो SBI से आप स्टेटमेंट निकाल सकते हैं और योनो लाइट में भी आप स्टेटमेंट निकाल सकते हैं, यानी कि आप अपना पासबुक देख सकते हैं अपने बैंक का। उसके बाद है अकाउंट बैलेंस, आप चेक कर सकते हैं दोनों में कर सकते हैं, योनो लाइट SBI में और योनो SBI में भी आप कर सकते हैं। उसके बाद है यूजर नेम और पासवर्ड, अगर आपके पास है इंटरनेट बैंकिंग का तो आप योनो लाइट SBI में भी आप लॉगिन कर सकते हैं और योनो SBI में भी आप लॉगिन कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे दोनों ही एप्लीकेशन अपने अपने जगह पर अच्छा, ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा योनो SBI में ज़्यादा फैसिलिटी मिलता है और योनो लाइट SBI में कम मिलता है। तो आप खुद डिसाइड कर सकते हैं आपको कौन सा यूज़ करना है, हम तो कहेंगे कि दोनों आप यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ऑफिशियल ऐप्स है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। दोस्तों अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी आप दबा दीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। अगर कोई भी सवाल इस वीडियो के रिकॉर्डिंग आपको पूछना है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो फिर मिलेंगे किसी एक और नए शानदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।